एजे गुड्डन की डेट। आशिकी में लगा ब्रेक। गुड्डन का दीवाना देवर। एजे के भाई के तेवर। अरे वाह जिंदल साहब, आज तो आपने कमाल ही कर दिया, हमारे लिए इतनी खूबसूरत डेट प्लान की, मजा ही आ गया भाई गॉड। हाँ जी मैडम, पहले ये बताइए खाने में क्या लेंगी आप? क्या खास है आपके मेन्यू में जिंदल साहब? आप पहले ना ये सैलेड ट्राई कीजिए और फिर ये बटर टोस्ट और साथ में ना ये कोकम का शरबत, मजा आ जाएगा। हमें लगता है ना आप हमें मोटा करके ही मानेंगे। जी हाँ, आज गुड्डन और एजे मना रहे हैं अपनी 6 महीनों वाली एनिवर्सरी, जिसे प्लान किया है दादी और लक्ष्मी बहू ने मिलकर। अब ऐसे तो अक्षत और गुड्डन करीब आने वाले थे नहीं, तो इसीलिए बनाया गया इनको करीब लाने का ये मास्टर प्लान। हाँ, रोमांटिक डेट तो हमारी माँ और लक्ष्मी बहू ने एक बहुत रोमांटिक सी डेट एक सेटअप किया है हमारे लिए, और हम दोनों को धक्का मार के अंदर डाल दिया कि अब तुम अपनी 6 मंथ एनिवर्सरी मना के ही निकलो। पर मुझे कोई इंटरेस्ट है नहीं, और गुड्डन को इंटरेस्ट आता है खाना देखकर। एनिवर्सरी में कोई मतलब नहीं है मुझे, 6 महीने हो जाए 6 साल हो जाए मुझे होता है ओह इतना अच्छा ये मोमबत्ती, ये तो मैंने पहली बार देखा है। ओके, तो यहाँ तो बैठ के खाना खाना तो बनता है, प्यार मोहब्बत तो बाद में सोच लूंगी। तो उधर अक्षत के सन की भाई अंगद को हो गया है अपनी ही भाभी यानी गुड्डन से प्यार, और जब गुड्डन आई अंगद से ये कहने कि वो उनके सिर्फ देवर ही नहीं एक अच्छे दोस्त भी हैं, तो अंगद बाबू को आ गया गुस्सा। अब तो जनाब अपने ही भाई अक्षत को निपटाने का प्लान भी बना रहे हैं। ये जो डेट थी हमारी कैंडल लाइट डिनर वाली, ये जो आपने खराब कर दी, आपने आपके भाई ने, इनकी सास जो है, ये मुझे ये आपको दोबारा प्लान करनी पड़ेगी। आपकी नहीं, मैंने तो प्लान करी है। फॉर्मेलिटी खाना खाने बैठते ही है, तभी अंगद एक चाल चलता है, वाइन भी सर्व करते हैं मुझे, और फिर जाता है आपकी डेट पर पानी। वो तो भाई हमने देख ही लिया, लेकिन गुड्डन मैडम आपकी ये रोमांटिक डेट आज नहीं तो कल तो होनी ही है, लेकिन अपने इस सन की दीवाने देवर का क्या करेंगी जो आपके प्यार में आप पूरी तरह से पागल होता जा रहा है। आपके इस दीवाने देवर से अब तो भगवान ही बचाए, आज तक ब्यूरो।